सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। ग्लेमेड डीएस टेबलेट ये फंको इंडिया फार्मास्यूटिका के द्वारा बनाई जाती है। ये एक प्रेस्क्राइब मेडिसिन है जो कि 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसके अंदर 10 टेबलेट रहता है तथा इसका MRP 16.37 रुपीज़ रहता है, मतलब 16 रुपये और 37 रुपीज़ इसका MRP है। तथा ये टेबलेट फ्रंको इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। 2 कंटेंट इसके अंदर डाले गए हैं, ग्लिपडिल 5 mg एंड मेटफॉर्मिन 500 mg। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज होने वाली टेबलेट है। इसको डायबिटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड करते हैं, जब आपकी डायबिटीज़ होती है तब इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो इस टैबलेट के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि इस टैबलेट को डॉक्टर कब रिकमेंडेड करते हैं और डायबिटीज पेशेंट को कब लेना चाहिए और कब तक इसको रिकमेंडेड करते हैं और क्या इसका सही तरीका है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ग्लूमेट डीएस टैबलेट जो कि यूज की जाती है टाइप 2 डायबिटीज मेलेंटस के अंदर, इसको ज्यादा लोगे या डॉक्टर की सलाह से नहीं लोगे तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपका लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, टेस्ट आपका चेंज हो सकता है, नोजिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है तथा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है। इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले तथा डॉक्टर जितना डोज बोले उतना ही ले और डॉक्टर जब तक बोले तब तक ही ले तथा इस टैबलेट को तोड़ के वगैरह ना ले और डायरेक्ट इस टैबलेट को ले और खाना खाने के बाद ले ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ग्लाइमेट डीएस टैबलेट के अंदर 2 कॉम्बिनेशन मेडिकल डाला गया है जो कि दोनों ही एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ग्लिपडिल एंड मेटफॉर्मिन इसके अंदर डाला गया है। ग्लिपडिल जो कि इंक्रीज कर देता है इंसुलिन लेवल को पैंक्रियास के अंदर तथा लो कर देता है ग्लूकोज लेवल को, तथा मेटफॉर्मिन क्या करता है कि ये कम करता है ग्लूकोज लेवल को लीवर के अंदर और तथा ये डिलाइंग कर देता है, ये रोक देता है और डिलाइंग कर देता है ग्लूकोज को ऑब्जर्शन होने से इंटेस्टाइन के अंदर तथा ये ब्रेन तक इंसुलिन से बॉडी के अंदर इंसुलिन का सेंसिटिव रखता है। तो इसके कारण आपकी डायबिटीज मेंटेन रह सकती है। तो इस टैबलेट को आपके एक डायबिटोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंडेड किया तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपने इसको यूज किया तो आपको क्या बेनिफिट मिला या क्या साइड इफेक्ट मिला तो जरूर बताएं। हमारे चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।